डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर जो कम्बिनेशन मिस्टेक्स हैं उसका रूल सेकंड मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। रूल वन क्या था वो आप हमारे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे रूल नंबर टू कि किस तरह बच्चे जो है वो कम्बिनेशन की अपने सेंटेंसेस के दौरान देखते हुए जो है वो डिफरेंट मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो एक चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो वर्ड हमारा देन है ये जुमले के अंदर किस किस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको मैं लिखूंगा कि देन शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। सिर्फ नीचे बयान किए गए जो कॉम्बिनेशन अभी मैं आपको बताऊंगा उनमें ही आप देन उसी कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। देखिए, अगर आप देन यूज करते हैं तो इसके साथ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जैसा कि नो सूनर देन, ठीक है, इसी तरह रादर देन, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड डिग्री है ऑफ एडजेक्टिव, यहां पर लिख रहा हूं सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसके साथ आप देन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसी तरह Than any और इसके साथ आगे कॉम्बिनेशन बनता है अदर का, ठीक है, इसी तरह इसके साथ आप जो है वो although या फिर thou इसके साथ भी आगे जो है वो आप than का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये आज हम रूल टू जो है वो हम वर्ड than जो है ये सीख रहे हैं कि then का सेंटेंसेस के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर आप no sooner लिखे उसके साथ then का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, rather के साथ आप then का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जब आप adjective की second degree इस्तेमाल करें तो उसके साथ हम then का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, then any के साथ हम other का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, although और thou के साथ हम जो है वो then का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसकी मैं आपको जैसे एग्जाम्पल करूँ, देखें मैं कहूँ Martin had no sooner sat down when the phone rang। अच्छा, नीचे हमने सेंटेंस लिखा Martin had no sooner sat down when the phone rang। अब हम इस जुमले के अंदर हमने देखे क्या वर्ड यूज किया, no sooner हमने यूज किया, तो इसका जो आगे कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो हमेशा then के साथ आना चाहिए। जबकि हमने यहां पर when लिखा तो ये करेक्ट हो गया, तो यहां पर सही वर्ड क्या आना चाहिए, then। समझ आ गई। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊं, देखिए मैं कहूं no sooner had he reached the station then the train left for। अब देखिए अगेन हमने यहां पर no sooner यूज किया तो आगे इसके कॉम्बिनेशन में हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, then। हमने यहां पर यूज किया क्या है, then, तो ये ग्रामेटिकली गलत हो गया, हमें यहां पर क्या वर्ड लिखना चाहिए, then। जब भी no sooner लिखेंगे तो उसके साथ आपने हमेशा then का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। अच्छा चले आगे चलते हैं जी। मैं कहूं आई बेट शी इज स्मार्टर देन यू। अब देखिए ये एक सेंटेंस लिखा या फिर मैं देन की जगह यहां पर लिखूं मोर। अब इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक क्या है, अब देखिए यहां पर हमने स्मार्ट क्या है, कोई खूबी या कमी, ये हमारा एडजेक्टिव है और हमने इस जुमले के अंदर एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री इस्तेमाल की है, ER सेकंड डिग्री इस्तेमाल की, तो ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है। तो हमने अपने रूल के अंदर क्या देखा कि जब भी हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं तो उसके साथ आगे कॉम्बिनेशन में हम क्या लिखते हैं, देन। हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, मोर। जहां पर हम इफ लिखें, मोर लिखें, वेन लिखें, देन लिखें, वेरी लिखें, जो भी हम लिखेंगे वो गलत कंसीडर किया जाएगा क्योंकि सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का हमेशा जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ आता है, देन के साथ आता है, ठीक है। मैं आपको इसकी और एग्जांपल करवा देता हूं, मैं कहूं
दो दे फाइनली एग्रीड कॉमा येट दे डिड देयर बेस्ट टू गो विदाउट। अभी हमने सेंटेंस लिखा, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ऑल्दो के साथ जो है जो कॉम्बिनेशन बनता है वो येट का भी बनता है, लेकिन ऑल्दो के साथ जो है वो हम देन का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अगर आप ऑल्दो या दाओ के साथ चाहे येट का कॉम्बिनेशन बना ले चाहे आप देन का कॉम्बिनेशन बना ले, ये कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट समझे जाते हैं। इसी तरह देखिए एक और जोड़ा आपके सामने मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं एक्सपेंसेस had been greater from she had calculated, इतना ज्यादा उसकी अदादोशुमार से ज्यादा हो गए। तो अब यहां पर देखें greater ज्यादा, ये great है first degree और हमने यहां पर क्या किया है second degree इस्तेमाल की है, तो हमें पता है कि second degree के साथ फिर आगे जो combination बनता है वो हमेशा then का बनता है, तो यहां पर फिर from हम नहीं लिख सकते या कोई भी और preposition कुछ भी नहीं लिख सकते, हम यहां पर जो है वो हमेशा then के साथ ही इसका combination बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको जो है ये समझ आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखें इसी तरह मैं कहूं he went into politics harder than anyone else। Again, इस जुमले के अंदर क्या मिस्टेक है, ये harder ये हमने सेकंड डिग्री सॉल्व किया ना एडजेक्टिव की, तो फिर आगे कॉम्बिनेशन में क्या वर्ड आना चाहिए then, हम then या कोई भी और वर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन में यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने उनसे लिखना है जो बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन हमने बनाए टेन के। अगर आपको मेरा बेटा कोई चीज समझ ना आए तो आप जो है वो मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई इशू हो तो आप किसी भी टाइम जो है लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। चलो अगले लेक्चर में आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।